ठीक है। तो 22 प्रतिज्ञाओं में जो पहली प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान ने मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा, ये बहुत बेसिक सी बात है। आप खाली गीता ही पढ़ लीजिए, एक रेशनल दिमाग माइंड रख करके आप गीता ही पढ़ लीजिए, आपको लगे क्या बकवास लिखा हुआ यार। अभी देखने को मिला कि 10,000 लोगों ने एक साथ 22 प्रतिज्ञाएं पढ़कर बौद्ध धर्म को अपनाया। उसी के साथ राजस्थान में 250 परिवार ने बौद्ध धर्म को अपनाया। और जितना जल्दी हम ये काम कर लेंगे, ऑन पेपर हम बुद्धिस्ट बन जाएंगे। तो देखिए, कागज से शुरू करेंगे तो बुद्धिस्ट बन के हम हो सकता है जातिवाद को खत्म करने की तरफ भी बहुत अच्छे से काम कर पाए। कम से कम 2-3 देवियां, 4 भगवान हमारे सामने पैदा हुए हैं। 36 साल मेरी उम्र है, संतोषी माता मेरे सामने पैदा हुई, सत्य साईं बाबा मेरे सामने पैदा हुए, शनि देव मेरे सामने मूर्तियां स्थापित होना शुरू हुई, छठ मैया तो इस नई जनरेशन के सामने बनी है, समण है, वर्ण व्यवस्था में आप ऊपर हैं, सबसे नीचे शूद्र है, उसके बाद वैश्य है, क्षत्रिय है, उसके बाद ब्राह्मण है। तो ये जो ऊपर के 3 वर्ण हैं, ये आपका फेल्योर है कि कोई एक समूह जो है आपकी व्यवस्था को नकार रहा है। आपने जातीय संरचना को बनाए रखा, जातीय कट्टरता को बनाए रखा, जातिवाद के नाम पर आप लोगों ने अपना आतंक जारी रखा, छुआछूत भेदभाव जारी रखा। एक आरक्षण मिला था जिससे कि जो सदियों से दबाया कुचला हुआ तबका है वो उठ करके विकास की मुख्य धारा में आ जाए, उस आरक्षण को भी आप लोगों ने पूरा नहीं होने दिया। बुद्धिज्म तर्क का रास्ता है, तर्कवाद का रास्ता है, रेशनलिटी का रास्ता है, वैज्ञानिक सोच का रास्ता है, भाईचारे का रास्ता है। बहुजन समाज के लोग जो बौद्ध धर्म की दिशा में जा रहे हैं, ये कितना सही है? और बौद्ध धर्म की ओर जाने से बहुजन समाज में क्या बदलाव आएगा, इस पर हम बात करने के लिए आज आए हैं पूर्वांचल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कई सालों से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, साथ ही साथ बुद्धा लैंड की मांग कर रहे हैं, पूरे पूर्वांचल को बुद्धा लैंड बनाने की मांग कर रहे हैं, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं धीरेन्द्र प्रताप जी। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इन्हीं सब मुद्दों पर। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये जो धर्म परिवर्तन का मामला है या बुद्ध धर्म की ओर जाने का मामला है, एक्चुअली में थोड़ा शब्दों को ध्यान देना पड़ेगा। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये बुद्ध धर्म में वापसी है, धर्म में वापसी है, ये हम घर वापसी कर रहे हैं, ठीक है। और ये एकाएक नहीं हो रहा है, ये जो हमारा घर वापसी है, ये घर हमको जबरिया छुड़वाया गया था। हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, हमारे लोगों के पास काम नहीं था, हमारे लोगों के पास खेत नहीं था, तो हमारे लोगों की मजबूरी थी कि उनकी हरवाही चरवाही करना, उनके यहाँ रह करके, तो एक मनुवादी के यहाँ काम करके हरवाही करके हम बुद्धिज्म की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, उसकी बात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि शहरों की तरफ बढ़ो, शहर आओगे तो तुम कोई दूसरा काम भी करके अपना रोजी रोटी चला सकते हो, गाँव में रहोगे तो हरवाही करना पड़ेगा, तुम्हारे पास खेत है नहीं, कर नहीं पाओगे। और ये एक दिन में नहीं हो रहा, ये जो सैकड़ों सालों से हमको दबाया गया है, प्रताड़ित किया गया है, अब पूरा बहुजन समाज समझ चुका है, खास करके दलित समुदाय समझ चुका है कि ये हमको हिंदू केवल वोट के समय बनाना चाहते हैं, या मुसलमान से लड़ाना होता है तब हमको हिंदू कहने पुकारते हैं, बाकी समय पर यदि हमारा कोई भाई बंधु अगर उनके भाई बंधु से शादी विवाह कर लेता है, उनकी लड़की से शादी कर ले तो उसकी हत्या हो जाती है। जब कोई हमारे यहाँ से इंटरव्यू देने आता है आईएएस बनने के लिए, तो उसके आँख में मिर्ची झोंक दी जाती है। और ये हो पाया सोशल मीडिया के नाते, घड़ा छू लेने से बच्चे की हत्या हो गई, ये मीडिया कहाँ दिखाई, सोशल मीडिया के माध्यम से आया, पूरा बहुजन समाज इस पर आग बबूला हुआ। तो ये जो अत्याचार हो रहे हैं, सदियों से जो अत्याचार हो रहे हैं ना, उसकी ये परिणति है। बाबा साहब ने बीच में किया था, लेकिन अब बाबा साहब को देखिए एकदम से बायकॉट कर दिया गया, जबकि उन्होंने 10,00,000 लोगों के साथ बुद्धिज्म अपनाया था। और हम तो कहेंगे कि भारत जैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश में बुद्धिज्म का दर्शन देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, बुद्धिज्म को जिंदा करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, और इससे पूरी दुनिया को एक बहुत सकारात्मकता मिलने वाली है आने वाले समय में। और केवल बुद्धिज्म को और बाबा साहब को अगर भारत से वॉश आउट कर दिया, हटा दिया जाए, तो फिर यहाँ में और तालिबान में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जो कट्टरता या घिघौनापन मनुस्मृति और उसमें है, वो तालिबान में भी वो चीज़ें नहीं थी।
ये सारा स्तन टैक्स और क्या नाम है शुद्धिकरण प्रथा हम लोग सब लोग झेले हुए हैं, हमारे पूर्वज झेले हुए हैं, और ये कोई गपबाजी नहीं है। यहाँ विदेश से आने वाले तमाम यात्रियों ने इस बात को लिखा है, पढ़ा है, अंग्रेजों ने आकर के उसके खिलाफ लड़ाई में हमारी मदद की है, चाहे वो महिलाओं का देवदासी बना करके उनका शारीरिक शोषण करने का मसला हो या सती प्रथा में उनको जलाने का मसला हो, ये सारे जो व्यवहार हैं ये हुए हैं, और इसको किसी मीडिया ने नहीं छापा। फिर से मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया ने हमको इससे अवगत कराया, परिचित कराया, और उस अत्याचार को जब हम देखते हैं और आज की जो व्यवस्था देखते हैं तो हम यही पाते हैं कि अत्याचार नहीं ख़त्म हुआ, अत्याचार का तरीका ख़त्म हो गया है। ठीक है, तरीका बस ख़त्म हो, जो पुराना तरीका उसको ख़त्म करके नए तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, और उसमें अब बाबा साहब को की बात लोगों को याद आ रही है कि बुद्धम शरणम गच्छामि। बाबा साहब ने अपना पूरा आंदोलन किया, हर व्यवस्था बहुजनों को मंदिर में घुस करके भी दिखाया कि देखो जब हम मंदिर जाएंगे तो क्या होगा, बहुजनों को सार्वजनिक तालाब में पानी पी करके भी दिखाया कि देखो जब हम सार्वजनिक तालाब में पानी पीते हैं तो ये हमारे साथ क्या करते हैं। ठीक है, तो आज बहुजन समाज भी इस बात को समझ रहा है कि एक ओबीसी मुख्यमंत्री जब कुर्सी से उतरता है तो उसका शुद्धिकरण कराया जाता है, तो ऊपर से लेकर के नीचे तक लोगों को बात समझ में आ गया है, और उनको पता चल गया कि बाबा साहब ने जो हमको रास्ता बताया था हमको उस रास्ते पर चलना होगा। लेकिन इस पर बहुत खुश होने की भी ज़रूरत नहीं कि बहुत सारे जगहों से, देश के कोने कोने से 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ के लोग बुद्धिज़्म की ओर आ रहे हैं, क्योंकि ये अभी हम केवल प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगर इसको हकीकत देखा जाए तो ऑन पेपर हम बुद्धिस्ट नहीं बन रहे। ठीक है, हमको इस आंदोलन को एक स्टेप और आगे ले जाना पड़ेगा, हमको कचहरी पहुंचना होगा, और कचहरी पहुंच करके अपने धर्म परिवर्तन का फॉर्म भर करके डीएम को सौंपना होगा कि हमको ऑन पेपर सरकारी गजट में हमको बौद्धिस्ट घोषित किया जाए। ये कदम सार्थक कदम होगा और अच्छा कदम होगा। हालांकि मैं इस बात को डिनाई नहीं करता हूं, मैं स्वागत करता हूं कि आप लोग 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ करके जो है अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन ये केवल खाना पूर्ति है और एक पॉलिटिकल कह लीजिए स्टेप है। ये स्टेप कारगर तब होगा जब जनगणना हो और आप सरकारी जो दस्तावेज हैं उसमें आप एज ए बौद्धिस्ट दर्ज हों। इस पर हमको कदम बढ़ाना पड़ेगा, और लगे हाथ में कन्फ्यूज़न दूर कर दूं, लोगों में ये अफवाह है कि हमारा जो माइनॉरिटी का स्टेटस है, जो कह लीजिए ST ST का स्टेटस है, वो खत्म हो जाए, हमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बना रहेगा। ठीक है, कन्फ्यूज रहते हैं कि अगर हम वो बना रहेगा, और अगर आप बुद्धिज़्म में जा रहे हैं तो आप हिंदुज़्म छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि हिंदू डिफाइन ही नहीं हो पाया है। 200 साल पहले हिंदू धर्म का कोई शब्द ही नहीं था, और वो 200 साल बाद आया है, मुगलों के आने के बाद से आया है। वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में या वेदांतों में कहीं भी हिंदू शब्द कहीं है ही नहीं है, ना गीता में है, ना भारत में, ना रामायण है, हिंदू शब्द कहीं नहीं है। और ये एक पॉलिटिकल शब्द है, ये थोपा गया शब्द है। ठीक है, और इसको हम लोग लेकर के ढो रहे हैं, हमारे पास क्या कह लीजिए ऑप्शन नहीं था, अब हमारे पास ऑप्शन है और उस ऑप्शन की तरफ हमको बढ़ना होगा, और जितना जल्दी हम ये काम कर लेंगे ऑन पेपर हम बुद्धिस्ट बन जाएंगे। तो देखिए, कागज़ से शुरू करेंगे तो बुद्धिस्ट बन के हम हो सकता है जातिवाद को ख़त्म करने की तरफ भी बहुत अच्छे से काम कर पाएँ, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिल्ली के संगठन हैं, और मतलब लगभग हर जिले में छोटा छोटा जो जागरूक जिले हैं उसमें संगठन बन गया है कि जो बौद्ध विवाह मंच बनाए हुए हैं, और उसमें बिना जाति पूछे जो है लोग एक दूसरे से शादियां कर रहे हैं, तो ये इससे एक जातिवाद पर भी एक बड़ा प्रहार होगा। और आप देखिए ना कि आप पूर्णिमा, अमावस्या, तो उसके बाद शुक्र है, मंगल है, उसके बाद दशहरा, दीपावली, तीज, छठ, करवा चौथ, गणेश चतुर्थी, नाग पंचमी, इतने ज़्यादा त्यौहार है ना कि उसको मनाने के चक्कर में हमारे लोगों की कमर टूट गई। अभी छठ बीता है, आज सुबह छठ खत्म हुआ, अब जाके गांव में आकर देखिए, सब लोगों ने 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जिसकी जितनी व्यवस्था हो पाई कर्ज ले करके, अपनी जमा पूंजी खर्च करके, जो पैसा बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च करनी चाहिए वो छठ पूजा में खर्च किया। तो बौद्धिज्म में जाएंगे तो इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है,
तो ये अच्छा काम हो रहा है देश में, और ये एक दिन में नहीं, ये प्रतिक्रिया हो रही है। और जो भी लोग हिंदू लोग बने रहना चाहते हैं, जो हिंदू लोग हैं या कह लीजिए जो सवर्ण हैं, वर्ण व्यवस्था में आप ऊपर हैं, सबसे नीचे शूद्र है, उसके बाद वैश्य है, क्षत्रिय है, उसके बाद ब्राह्मण है, तो ये जो ऊपर के तीन वर्ण हैं, ये आपका फेल्योर है कि कोई एक समूह जो है आपकी व्यवस्था को नकार रहा है। आपने जातीय संरचना को बनाए रखा, जातीय कट्टरता को बनाए रखा, जातिवाद के नाम पर आप लोगों ने अपना आतंक जारी रखा, छुआछूत भेदभाव जारी रखा। एक आरक्षण मिला था जिससे कि जो सदियों से दबाया कुचला हुआ तबका है वो उठ करके विकास की मुख्य धारा में आ जाए, उस आरक्षण को भी आप लोगों ने पूरा नहीं होने दिया। जबकि 100% केवल नौकरियों में आरक्षण है और राजनीति में आरक्षण है, 100% नौकरियां हैं तो उसमें केवल 3% नौकरियां ही सरकारी हैं, और 3% नौकरियों में 49.5% ही आरक्षण लगा हुआ होता है, मोटी मोटी कह लें हम तो, हमें केवल 1.5% आरक्षण मिलता है, 1.5% नौकरियों में आरक्षण है, और बाकी 98.5% नौकरियां अनारक्षित है। लेकिन उसके बाद भी उस 1.5% आरक्षण को ख़त्म करने के लिए एड़ी से चोटी का जोड़ आप तीन वर्णों ने लगा दिया। तो ये आपका फेल्योर है कि आप एक 85% आबादी को, एससी एसटी ओबीसी की 85% आबादी को आपने अपने गले नहीं लगाया और वो आज आपसे टूट रहा है। ये अच्छी बात होती, इससे और अच्छी बात होती कि लोग बुद्ध को जानते हैं, बुद्ध को पढ़ते हैं और उसके बाद बुद्ध के मार्ग पर जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि लोग आपसे नाराज होकर के बुद्ध के मार्ग पर जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बिना पढ़े बिना जाने 22 प्रतिज्ञाओं के अलावा भी हमको बहुत कुछ जानना है, 22 प्रतिज्ञाओं के पीछे जो रीजन थे उसको भी जानना है, और उसको बिना जाने भी हम अगर बुद्धिज्म में जाते हैं तो वो इनकम्प्लीट, क्योंकि बुद्धिज्म तर्क का रास्ता है, तर्कवाद का रास्ता है, रेशनलिटी का रास्ता है, वैज्ञानिक सोच का रास्ता है, भाईचारे का रास्ता है, ठीक है, मानव मानव एक समान का नारा देता है ये, तो इसको बुद्धिज्म को जान करके और बुद्धिज्म से प्यार करते हुए बुद्धिज्म से प्रभावित होकर के हमको बुद्धिज्म के तरफ जाना चाहिए था। लेकिन ये तीन वर्णों का फेल्योर है कि हम बिना जाने केवल अत्याचार से बचने के लिए या उसका प्रतिकार करने के लिए हम लोग बुद्धिज्म के तरफ जा रहे हैं। लेकिन जैसे भी हो आज हम जा रहे हैं, कल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि ऑन पेपर बुद्धिस्ट बनिए, ठीक है, इसके तरफ भी कदम बढ़ाइए। अच्छा, एक चीज़ देखने को मिलता है कि हम जाति से बचने के लिए और जातिवाद से बचने के लिए कहीं ना कहीं हम बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये भी देखने को मिलता है दूसरी तरफ कि हम बौद्ध धर्म में जाते हुए भी अपनी जाति को लेते जाते हैं और बौद्ध धर्म में भी हम जाति बनाने लगते हैं कि हम इस जाति के हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम बौद्धिस्ट बन गए हैं तो हमें जाति का कोई गर्व नहीं होना चाहिए, जाति हमें छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अभी भी ये देखने को मिलता है कुछ लोग हैं जो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी अपनी जाति को लिए बैठे। देखिए, जाति का जो गर्व है बहुत बड़ी बीमारी है भारत में, और मैं फिर से वही कहना चाहूँगा कि आप प्रतिक्रिया के तौर पर जब आप बुद्धिस्ट बनते हैं तो यही होता है, आप बुद्धिस्ट को पढ़ करके जान करके बुद्धिस्ट बनेंगे तभी आप जातिवाद छोड़ पाएंगे, कुछ लोगों में भेद छोड़ पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रतिक्रिया के तौर पर नहीं, आप उसको जान करके समझ करके तब बुद्धिज़्म की तरफ जाइए, ठीक है। और जिनको भी लगता है कि बुद्धिज़्म क्या है कैसे है, मैं आपको बता दूँ कि जितने भी बुद्धिस्ट स्थल हैं वहाँ बहुत बड़ी संख्या में विदेशी आते हैं, खूब विदेशी पैसा आता है, उन सभी विदेशी बुद्धिस्ट मठों पर, चाहे वो बोधगया हो, लुम्बिनी हो, सारनाथ हो, आप जा करके देखिए सवर्णों का कब्जा है, सब बुद्धिस्ट वाला सर्टिफिकेट बनवा करके बुद्धिस्ट बन करके कब्जा करके बैठे हुए हैं। आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि वो कहाँ तक उनकी पहुँच हो रही है। विदेशों में ये बौद्ध विहार के नाम पर चंदा लेकर क्या आते हैं और यहाँ के मंदिर बनाते हैं। अच्छा, एक चीज देखने को मिल रहा है कि कुशीनगर में पहले हिंदू देवी देवताओं के फोटो या मूर्तियां नहीं देखने को मिलते थे, अब वो भी वहां बिकने लगे हैं, इससे क्या समझते हैं? नहीं, देखिए उससे मिलावट ये बहुत शुरू से कर रहे हैं कि बुद्ध 10वें अवतार हैं, 9वें अवतार हैं, और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो शुरू से इनकी आदत है कि जिसको जीत ना पाओ उसको अपना बाप बना लो। सही बात। अकबर के इन्होंने ये भविष्य पुराण में अकबर को इन्होंने अपना भाई बताया है कि अकबर पुनर्जन्म शंकराचार्य का बेटा था, और उसके बाद वो, और अकबर के जितने दरबारी थे वो भी पिछले जन्म में ब्राह्मण थे और वो बाद में फिर अकबर के दरबारी बने,
तो कहने का मतलब ये है कि जिसको ये जीत नहीं पाते हैं उसको अपना अपना अपने रंग में रंगने की कोशिश करते हैं, अपने में डालने। तो ये बुद्ध को जीत नहीं पाए तो इन्होंने अपने रंग में रंगने की कोशिश की, और इसके पहले भी बहुत बार हुआ है। जो बुद्ध की मूल विचारधारा थी उसको लेकर के बहुत सारे खंडन हुए, यान महायान तंत्रयान वज्रयान बहुत सारा हुआ, और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं जरूरी हैं। अच्छा, 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर भी काफ़ी विवाद था कि उसमें एक प्रतिज्ञा ये भी है कि हम हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे जब बौद्धिस्ट हो जाएंगे, तो इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, वो देखिए भाई, वो ज्ञान का मतलब है, जब आप पढ़ करके जाएंगे ना तो आप ऑटोमेटिक भूल जाएंगे। राजा रवि ने अगर हिंदू देवी देवताओं का चित्र नहीं बनाया होता तो कैसे समझ पाते हैं दुर्गा कैसी थी और महिषासुर कैसे थे? लिपि कब बनी और लिखने का कला का आविष्कार कब हुआ ये आप डेट नहीं जान पाते तो इनको कैसे जान पाते कि ये फ्रॉड है, गप्पेबाजी है। ठीक है, इन्हीं की बात से इन्हीं के जो वेद पुराण और कह लीजिए हैं उनको ही पढ़ करके आप पाएंगे उसी में 1000 कमियां, उसको आप फ्रॉड समझ लेंगे। ठीक है, तो 22 प्रतिज्ञाओं में जो पहली प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान ने, मैं उनकी पूजा नहीं करूँगा, ये बहुत बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है। जब आप पढ़ेंगे, आप, हम ये नहीं कह रहे हैं आप खाली गीता ही पढ़ लीजिए, एक रेशनल दिमाग माइंड रख करके आप गीता ही पढ़ लीजिए, आपको लगे क्या बकवास लिखा हुआ यार, रामायण पढ़ लीजिए आपको लगे क्या बकवास लिखा यार, कोई पढ़ता नहीं है ना, आप पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि क्या जरूरत है पूजा पाठ करने की। आप पढ़िए ना कि देवी देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई, मोदी जी आपको हिंदी और संस्कृत पढ़ाएंगे, वो जाके अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो बहुत पहले इससे दूर जा चुके हैं। अब चूंकि इस व्यवस्था में रहने पर उन्हें पैदाइशी एक स्टेटस मिल जाता है कि वो सवर्ण हैं, बाबू साहब हैं, पंडित जी हैं, तो वो इस स्टेटस को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जिस दिन बौद्धिस्ट अपने दम पे खड़ा हो जाएगा और शक्तिशाली हो जाएगा, सबसे पहले लात मार के वो इस व्यवस्था में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज़ ये कि जैसा सर ने भी कहा कि हमें बौद्ध धर्म को पढ़ने की ज़रूरत है, बौद्ध धर्म एक रास्ता है अच्छाई की तरफ जाने का और एक अच्छा इंसान बनने का रास्ता है बौद्ध धर्म, तो हमें पढ़ने की ज़रूरत है फिर उसे अपनाने की ज़रूरत है, ना कि किसी से नाराज़ होकर हम उस धर्म को अपनाएं या उस रास्ते पर चले। तो आप भी बौद्ध धर्म को पढ़िए, बौद्ध धर्म को जानिए, फिर उसे अपनाइए। एक बार ज़रूर बौद्ध धर्म को पढ़िएगा और गौतम बुद्ध को पढ़ने की कोशिश ज़रूर करिएगा। इस पूरी वीडियो पर और हमारी बातों पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अर्णव, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे थे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।